दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी विवाद, दोस्त आपके बीच में बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है फिर से एक बार ट्रेंड कर रहा है। देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है एनसीटी की न्यू गाइडलाइंस, बिल्कुल एनसीटी ने एक बीएड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी किया है। इस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास करेंगे, देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ कहा जा रहा है डीएलएड के अस्तित्व पर खतरा। जाहिर सी बात है, वर्तमान सत्र में अगर देखा जाए 2023 में तो डीएलएड का क्रेज कुछ इस तरह से बढ़ा हुआ है कि लगभग 4 लाख आवेदन 2023 सत्र के लिए हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह की बातें ला रहे हैं कि डीएलएड के अस्तित्व पर भविष्य में खतरा है कि डीएलएड जो है वो खत्म हो जाएगा। पूरी अपडेट इस वीडियो में साझा करेंगे डीएलएड के संदर्भ में, क्या वाकई में जो डीएलएड के अस्तित्व है उस पर खतरा है। और नीचे यहाँ कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य। जाहिर सी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश इस बीएड वर्सेस बीटीसी केस पर आया है कि बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर है, ठीक है। तो हालांकि देखा जाए चाहे एनसीटी हो चाहे कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर जगह सर्वमान्य होता है। नीचे यहाँ देश के हर राज्य से बाहर अध्यादेश और रिव्यू पिटीशन लाने वाले वो लोग कहां गए जो लगातार आप सभी के लिए कह रहे थे कि एनसीटी जो है नया अध्यादेश जारी करे और रिव्यू पिटीशन जो है दाखिल किया जाए। ऐसी तमाम जो है भ्रामक खबरें आपके बीच में आ रही थी। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आपके बीच में सर्वप्रथम यहाँ कहा जा रहा है कि एनसीटी का इशारा प्राइमरी में बीएड डिग्री धारकों को मौका नहीं। अब इसमें आप पूरी अपडेट देखेंगे। योग्यता के सवाल पर जवाब में एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी किया जिक्र। कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के न्यूनतम योग्यता बीएड को हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई की ओर से अभ्यर्थियों के लिए राहत की उम्मीद जो है खत्म होती जा रही है। भर्ती के न्यूनतम योग्यता के लिए मांगी गई जानकारी पर दिए जवाब में एनसीटीई योग्यता के शर्तों पर जो है सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की कॉपी भेज दी। हाँ, इससे ही सारा साफ है कि फैसले के अपील के बजाय जो है उसके अमल की जा रही है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है शिक्षक जो है शिक्षक पाठ्यक्रमों के स्वरूप तय करने से लेकर भर्ती की योग्यता तय करने की जिम्मेदारी एनसीटी के पास है। 2018 में एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी कर प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में शामिल कर दिया था। इसी महीने राजस्थान से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि निर्णय एनसीटी के स्व विवेक से नहीं लिया था बल्कि शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर योग्यता बढ़ाई गई थी। जो है गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों के रास्ते को बंद कर दिए। अब सोमवार को दिए जवाब में एनसीटी ने भी इसी राह पर चलने का इशारा कर दिया है। और यहाँ देखेंगे आपके लिए एक और भी अपडेट्स यहाँ दी जा रही है, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को झटका। बेसिक स्कूलों में नौकरी की उम्मीद लगाए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के फैसले से झटका लगा है। अकेले यूपी में ही बीएड के लगभग 2400 कॉलेजों में से जो है 2.5 लाख से अधिक सीटें 2018 में बीएड को भी प्राइमरी में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता में शामिल किए जाने के बाद बीएड करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। प्राथमिक स्कूलों में अधिक होने के चलते शिक्षक भर्ती में सर्वाधिक सीटें भी इसी सेक्शन में आती हैं, इसलिए प्रतियोगियों का जोर भी प्राइमरी पर ज़्यादा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी के रुख से रास्ते और बंद होते नजर आ रहे हैं। यहाँ माननीय जो है बात करें हम एनसीटी का भी आदेश आप देख लेंगे, जो चीज़ें हमने पेपर कटिंग में दिखाई थी सेम वही चीज़ें हैं। नीचे यहाँ कोई लिख कर डाल रखा बड़ी खबर, एनसीटी ने माने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदेश पालन करते हुए भारत के सभी राज्यों से प्राथमिक से बीएड वालों को बाहर करने का आदेश, ठीक है। और आपने देखा कल की डेट में हमने बीपीएससी के संदर्भ में भी आपको अपडेट्स प्रोवाइड किया था कि बिहार में जो है बीएड जो है एलिजिबल था। अभी हाल ही में आपकी पीआरटी की परीक्षा हुई थी, बड़ी भर्ती थी, उसमें जो है बीएड को शामिल किया गया, जिसमें एक बड़ी रणनीतियों के तहत, चूंकि उन्हें पता था
कि बीएड वाले भी आवेदन किए, अगर हम बीएड को अभी से बाहर कर देंगे परीक्षा से पहले तो जो इनकी फीस से ली गई है उसे हमें रिफंड करना पड़ेगा। और फाइनली अगर ये परीक्षा करवा लिए हैं तो जाहिर सी बात है आप कोई ये नहीं कह सकता कि भैया आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी रणनीतियाँ थीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सर्वमान्य है, वो भारत के हर राज्य में लागू होगा, यानी जहाँ भी बीएड योग्यता रखता है और जो है प्राइमरी में था हर राज्य से बीएड को बाहर कर दिया गया है। अध्यादेश की मांग की जा रही है, फिलहाल के लिए ये चीज़ें संभव तो नहीं हैं, फिलहाल के लिए लोग परेशान हैं, लगातार धरना प्रदर्शन जो भी पा रहा है लगातार किया जा रहा है, जैसा भी होगा चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। रिव्यू पिटीशन की मांग कर रहे थे, देखिए रिव्यू पिटीशन की मांग बिल्कुल करना लाजमी है ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन रिव्यू पिटीशन जब भी आपका जारी होगा जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हीं की देखरेख में रिव्यू पिटीशन जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुना रहा था तो कोई भी ऐसी बिंदु को नहीं छोड़ा है जिसको लेकर आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यू पिटीशन की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा क्रिमिनल केस में जो है ये दायर किया जाता है, जैसे अगर कहानी आपकी चल रही है सब कुछ समाप्त हो चुका है और बीच से अगर कोई एंटर हो रहा है तो यहाँ पर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जिसे लेकर आप फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बातें कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते अच्छा यहां एक चीज मैंने छोड़ा है जो है डीएलएड के अस्तित्व पर, क्षमा चाहेंगे इस पर मैं जिक्र नहीं कर रहा था। देखिए डीएलएड के अस्तित्व का जहां तक सवाल है यार, अभी तक डीएलएड का अस्तित्व अपने हिसाब से बना है, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि प्लीज इस तरह की बातें न करिए, ठीक है। चूंकि आपको पता है बीएड के बाहर होने से डीएलएड का क्रेज किस तरह से बढ़ा हुआ है, कभी डीएलएड का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, इस चीज को आप नोट करिएगा। जो लोग इसके भ्रम को पाल रखे हैं कि डीएलएड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, प्लीज आप ऐसी भ्रामक खबरों को न फैलाएं, ठीक है। कभी अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो आप मुड़िएगा मत भैया, डीएलएड आप करिए, कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।